अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबके नेक हाजतें नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला हम सब की पूरी करे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला सरातल मुस्तकीम पे ईमान पे चलने वाली औलाद अता करे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़ दे, हमको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। आपको बताने जा रही हूँ अंडा भुर्जी। उसके लिए चाहिए 4 अंडे, 1 मीडियम साइज की अनियन, दूध है 3 चाय के चमचे, 6 चाय के चमचे कोतमीर, 1/2 कप ऑयल, 5 पिंच नमक, 3 पिंच काली मिर्ची का पाउडर, 2 हरी मिर्ची, 2 पिंच कलौंजी। अंडा भुर्जी कई टाइप्स की बनती, तो मैं अब तक आप लोगों को नहीं बताई, ये पहले टाइप की बता रही हूँ, ये मेरे स्टाइल की है। पहले मैं अंडे फोड़ लूँगी। ये हरी मिर्ची बारीक काट ली मैं, और पतली रहना हरी मिर्ची, मोटी नहीं रहना। पूरा हरा धनिया डाल दूंगी मैं, प्याज भी डाल दूंगी इसमें, काली मिर्ची, नमक, दूध। अब इसको अच्छा सा बेक कर लेंगे। और चॉपर में नहीं काटना है प्याज और हरा धनिया, क्योंकि अंडे का मज़ा नहीं होता, प्याज अपना पानी छोड़ देती। आप चाहे ऑमलेट तलो या हाथ पेज काटना, और ज़्यादा बारीक काटेंगे तो प्याज पानी छोड़ के ऑमलेट का मज़ा नहीं आता, और ऑमलेट टूटते जाते, पीसेस नहीं बनते। प्याज को आपको अनियन को वॉश नहीं करना है, छिलका निकाल के पोंछ लेना है। आप देखिए वैसा भी बना के देखिए, ऐसा भी बना। और जितना हो सके अंडा लोहे के तवे में तलने की कोशिश करिए, या सिल्वर के, स्टील में नहीं जल जाता, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसलिए नॉनस्टिक का बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत मज़े का होता अंडा, क्योंकि अंडा तेल पीना, नॉनस्टिक में तेल नहीं पीता ना, ऑब्जर्व करना। ऑयल डाल दी मैं, आप असली घी में भी तल सकते कलौंजी, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है ये। कलौंजी अच्छे से होने देंगे। ये अंडा अच्छे से फेंट ली मैं, मतलब बीट कर ली, और बीट करते इसमें 10 मिनट रखी, फिर आप लोगों को बता रही हूँ। जब कलौंजी की स्मेल आई, जब आपको फ्लेम कम कर देना है, आपको ये ऐसे फेंट लेते हुए डालना है। अब इसको आपको नीचे लगने नहीं देना है। अब मैं बत्ती बढ़ा दी इसका फ्लेम गैस का। स्टार्टिंग में आपको तेज पे नहीं डालना है, मतलब अंडा नहीं डालना है, और आप तेल कम डाल के जब गैस बंद कर देंगे तो आप ऊपर से जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। अरबी लोग इस कसम से खाते। हरी मिर्ची ज़रूर डालिए, बहुत मज़े का होता, और हरी रहना मिर्ची, अगर छोटे बच्चे हैं तो मत डालिए, और अगर टिफ़िन में भी ले जाना चाह रहे हैं आप तो ले जा सकते हो, मगर ब्रेकफास्ट लंच में 2-4-5 घंटे नहीं तो इसमें लाना शुरू हो जाता। अगर जर्दी के बगैर आप लोग भी तल सकते हैं इसको, हम लोग तो जर्दी नहीं खाते, आप लोगों के खातर बता रही हूँ। और 2 आदमी का है, 1 बंदे को 2 अंडे लेना, तो जब मज़े का होता। ऑमलेट तलिए आप, 1/2 पाइप तलिए। गैस बंद कर दूंगी मैं, इसकी हीट पेच करूंगी। अब हल्के हाथ से, ज़्यादा वज़न नहीं डालना है, दाल घुटे जैसा हो जाएगा। आप लोगों को डिश आउट करके बता दें। अंडा भुर्जी बनके तैयार है, फुलकों के साथ भी अच्छा दिखता, पराठों के साथ, नान की रोटी को कड़क सेक लेके खाइए, खुबूस के साथ सैंडविच बना के खाइए इसके। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।